आयुर्वेद के अनुसार वृद्धाहार, आयुर्वेद अनुसार जिस प्रकार पथ्य या हितकारी आहार के सेवन से स्वास्थ्य की रक्षा होती है और वात पित्त व कफ ये तीनों दोष अपनी समस्था में बने रहते हैं, उसी प्रकार अपथ्य अहितकारी आहार के सेवन से स्वास्थ्य का नाश होता है और दोषों का प्रकोप होता है। यह आहार भी अनेक प्रकार का हो सकता है। कुछ खाद्य पदार्थों प्रकृति से स्वभावतः ही दोषों का प्रकोप करने वाले, रोग कारक, भारी आदि होने से अपथ्य होते हैं, परंतु कुछ प्राकृतिक रूप से और अकेले तो बहुत गुणकारी और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, लेकिन जब इन्हीं पदार्थों को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ लिया जाए अथवा किसी विशेष समय या ऋतु में किसी विशेष वस्तु में पकाकर सेवन किया जाए तो ये लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाते हैं, अनेक प्रकार के रोगों का कारण बनते हैं। ये वृद्धाहार कहलाते हैं क्योंकि ये रस, रक्त आदि धातुओं को दूषित करते हैं, दोषों को प्रकोपित करते हैं तथा मलों को शरीर से बाहर नहीं निकालते। अनेक बार कुछ गंभीर रोगों की उत्पत्ति का कोई साफ कारण दिखाई नहीं देता, वस्तुतः उनका कारण वृद्धाहार होता है, क्योंकि आयुर्वेद में कहा है कि इस प्रकार के वृद्धाहार का निरंतर सेवन करते रहने से ये शरीर पर धीरे धीरे दुष्प्रभाव डालते हैं और धातुओं को दूषित करते रहते हैं, अतः वृद्धाहार नाना रोगों का कारण बनता है। ये वृद्धाहार अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे दूध के साथ दही, नमक, मूली, मूली के पत्ते, अन्य कच्चे सलाद, सहजन, इमली, खरबूजा, बेलफल, नारियल, आमड़ा, नींबू, बड़हल, करौंदा, कमरख, जामुन, कैथ, पारावत, अम्लफल, अनार, आंवला, गलगल तोरई, गुड़, तिलकुट, कुल्थी, उड़द, मोठ, निष्पाव, कंगू, वनक, सत्तू, तेल तथा अन्य प्रकार के खट्टे फल या खटाई, मछली आदि का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दही के साथ खीर, दूध, पनीर, गरम पदार्थ व गरम भोजन, खीरा, खरबूजा, ताड़ फल आदि का सेवन वृद्धाहार है। खीर के साथ कटहल, खटाई, दही, नींबू आदि, सत्तू शराब आदि का सेवन वृद्धाहार है। शहद के साथ मकोए, जिसे काकमाची भी कहते हैं, घी, समान मात्रा में पुराना घी, वर्षा का जल, तेल, वसा, अंगूर, कमल का बीज, मूली, ज्यादा गर्म जल, गरम दूध या अन्य गरम पदार्थ, कुसुम्ब का साग, सारकर, सरकरा से बना शरबत और मेरे यानी खजूर से बनी मदरा आदि का सेवन वृद्ध है। शहद को गर्म करके सेवन करना निषिद्ध है। शीतल जल के साथ घी का सेवन, तेल का, तरबूज का, अमरूद, खीरा, ककड़ी, मूंगफली, चिलगोजा आदि का सेवन वृद्धाहार है। गर्म जल या गर्म पेय के साथ शहद, कुल्फी, आइसक्रीम व अन्य शीतल पदार्थ का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। घी के साथ समान मात्रा में शहद तथा ठंडे जल का सेवन स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। खरबूज के साथ लहसुन, दही, दूध, मूली के पत्ते, पानी आदि का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तरबूज के साथ ठंडे पानी तथा पुदीने का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चावल के साथ सिरके का सेवन स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। तिल की पिट्ठी के साथ उपोदिका, पोई को पकाकर खाना वृद्धाहार है। नमक अधिक मात्रा में खाना स्वास्थ्य के लिए अति हानिकारक है। अंकुरित धान्य, चने आदि के साथ कमल नाल का सेवन वृद्धाहार है। कच्चे अंकुरित धान्य के साथ पके हुए भोजन का सेवन भी वृद्धाहार है। मकोई के साथ पिपली, काली मिर्च, गुड़ व शहद का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जिस बर्तन में मछली पकाई हो उसमें रात भर रखे हुए मकोई साग का सेवन करना नहीं चाहिए। उड़द की दाल के साथ मूली का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। केले के साथ तक्र मट्ठे का सेवन स्वास्थ्य के विरुद्ध है। घी, कांसे के बर्तन में 10 दिन या अधिक समय तक रखा हुआ घी विषाक्त हो जाता है। दूध, सुरा, खिचड़ी, इन तीनों को मिलाकर नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह वृद्धाहार से होने से हानिकारक है। इस प्रकार के वृद्धाहार के सेवन से शरीर के धातु और दोष असंतुलित हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, अतः इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इन सब का विचार करके ही खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। वृद्धाहार से अल्प प्रभावित होने वाले व्यक्ति, प्राणायाम, योगासन व व्यायाम से रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होती है, अतः प्रतिदिन व्यायाम करने वाले, घी, दूध आदि स्निग्ध पदार्थों का सेवन करने वाले, तीव्र पाचक अग्नि वाले
बलवान व्यक्ति तथा निरंतर अभ्यास से जिनके लिए वृद्धाहार साथ में बन गया हो, ऐसे व्यक्तियों पर वृद्धाहार का विशेष दुष्प्रभाव नहीं होता। अल्प मात्रा में लेने से भी वृद्धाहार का कुप्रभाव नहीं होता, यदि होता भी है तो आंशिक रूप से ही होता है।